चैनल मैं हूँ नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं नॉनस्टॉप कॉमेडी ऑफ आकाश गुप्ता स्टैंड अप कॉमेडी कॉमिस्तान। एंड ये वीडियो इज ऑन अमेज़न प्राइम वीडियो। तो कॉमिस्तान का जो सारे लाइक स्टैंड अप होते हैं आकाश के, दे हैव बीन लाइक कंपाइल करके दे हैव बीन मेड अ वीडियो। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो या हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी, चलिए देखते। शेक शेक शेक, टू मोटा से 888 आओ बदले सिटीज का नाम करके प्रभु का जाप। प्रयागराज रख दो। चुड़ैल तो हमारी औरतें होती है ना, फिर छुटे काट दे। उस दिन एक शो देख रहा था, उसमें कुछ पक रहा है एंड इज लाइक दिस स्मेल सो नाइस, पानी उबल रहा था। शेफ साइड पे खड़ा है, गुड। चूतिया बोल सकते हैं टीवी पे, अलाउड है क्या? अलाउड है? अच्छा, फिर इनको बिठाया जाता है और इनके सामने 8-9 महंगी ऑथेंटिक डिशेस परोसी जाती हैं, ठीक है? इनका काम होता है ये खाएं और उसका रिव्यू दें। बट नहीं, इनके मुंह में पहली बाइट जाती नहीं, इनको कहीं से फूड गैसम आ जाता है। अच्छा। और फूड गैसम भी ऐसा कि मोक्ष प्राप्त हो गया पनीर चाट के। ओके, लेट मी ट्राई, लेट मी ट्राई, लेट मी ट्राई। शेफ्स ने क्या डाल लिया मुंह में इन्होंने? मैं 10 साल से पनीर बना रहा हूँ, ऐसा रिएक्शन आ सकती है क्या मैंने? कि मेरा पनीर नहीं है ये। और कभी मुंह खुलता भी तो लाइक आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन। मैं कहता नौकरी छोड़ दो आप। रिव्यू मतलब वर्ड्स, साउंड रिव्यूज नहीं सुनने हैं मुझे। चिकन के साथ है नहीं, मैं रेस्टोरेंट जाके ऐसे बातें करूँ, भैया एक चिकन देने जो है। कह रहा है बटर चिकन नहीं, है वाला। कह रहा अच्छा अच्छा अच्छा, टेबल नंबर 4 पे चिकन मार दो। सर स्टार्टर में कुछ लेंगे? हाँ पनीर लगा दो। कौन सा वाला? हे ये वाला। एक बार ना मेरी गाड़ी से एक बूढ़े अंकल ठोक गए थे। और गाड़ी चल भी नहीं रही थी। मैं मतलब बहुत टैलेंटेड हूँ, खड़ी गाड़ी में बूढ़े ठोक देता हूँ। क्या हुआ था, मैंने ना गाड़ी का दरवाजा पीछे देखे बिना खोल दिया। अच्छा। और पीछे से अंकल हायाबूसा की स्पीड पे अपनी एक्टिवा पे आ रहे थे। और ढूंढ था, अब एक होता है ठा नहीं, अंकल ने लिया लीप ऑफ फेथ। अच्छा। मतलब वो हवा में इतना लंबा उड़े कि मैंने खुद को जेल के कपड़ों में देख लिया। मेरे हाथ में कटोरा है, मैं दाल के लिए रो रहा हूँ, दाल दे दो, दाल दे दो, दाल दे दो। मेरी सॉफ्ट स्किन देखे ना, जेल के अंदर के सब लोगों का मोलेस्टर जाग गया है ना। अच्छा। सब मेरे साथ ही नहाने जा रहे हैं। एक दिन जेलर भी आ गया, मैंने सुना कोई चिकना लड़का है। मैंने ये सब देखा, फिर अंकल गिरे। अच्छा। और हमारे देश की अनएम्प्लॉयमेंट की हद देखो, 10 सेकंड में वहां 15 लोग इकट्ठे हो गए। मैं तुम क्या कर रहे थे अभी से पहले यार? और उनका बस एक ही इंटेंशन था, हम मार देंगे, हम पीट देंगे, हम तो पीटने आए भाई साहब। अंकल को तो एम्बुलेंस चाहिए, हम तो लौंडे पीटेंगे भाई। हैं ऐसे कैसे यंग कॉन्फिडेंटली घूमते रहते हैं हर जगह, हम तो मार देंगे, हम तो मार देंगे। एक बंदा इतना वेला, वो चलती बाइक से हेलमेट समेत उतर गया। लाइक लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है। 1 सेकंड, हेलो मैडम, डिलीवरी नहीं कर पाऊंगा आज। हाँ हाँ भाई, किसको मारना है? इतना केओस हो रखा है, किसी को पता नहीं अंकल को लगी क्या, सब अपनी अजम्पशंस के साथ आ रहे हैं। एक को लगा अंकल की याददाश्त चली गई। अच्छा। अरे अंकल नाम क्या है आपका? कह रहे यहाँ लगी है मेरे यहाँ। अच्छा, आपके शागिर्द हैं जी, बताओ क्या करना है? ब्लाउज चाहिए, फुल स्लीव। फुल स्लीव, ब्यूटीफुल। तो मैं क्या कहता हूँ, बैकलेस करते हैं। बैकलेस? पीछे डोरी बांध देंगे अच्छी सी। और आपके पीठ पे अच्छा टैटू भी है, आई एम अ रेबेल। ब्लाउज चाहिए था, सजेशन नहीं। ओके पायल जी, यहाँ के रेबल हो रही हैं, आ जाओ। थैंक यू। नाप ले लो, भूल गए होंगे। भाई कोई मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला दो यार। बहुत बढ़िया। तो ये ब्लाउज किसने सिलवा रही हैं आप? रिया की शादी है। अच्छा अच्छा अच्छा, रिया की शादी है। तो एंगेजमेंट पे सूट तो मुझसे बनवाया नहीं आपने? रेडीमेड बनवा लिया था। रेडीमेड? अच्छा ठीक है,
रेडीमेड तो आपके घर के टॉयलेट पेपर नहीं है, सूट कहाँ से होंगे? कुछ छिपा रही हैं पायल जी आप मुझसे, मुझे लग रहा है। सारे सूट मैंने सिले आपके आज तक बचपन से हैं। क्या छिपा रही हैं आप मुझसे? कुछ नहीं। इंदर टेलर? मेरा सूट लेके आप इंदर टेलर के पास गई? पायल जी माय गॉड, एक्साइटेड हो रही। और तेज चला लो ना, दो ब्लाउज बन जाएंगे। आंख में सुई डालो, इतनी नहीं चुभती जितनी आपकी बातें चुभ रही हैं अभी। भूल गई आप सब? कैसे आपके प्लम डेज में मैंने आपको स्किनी दिखाया था? मुझे मालूम है कि आपको नाड़े वाली सलवार में पेशाब जाने में दिक्कत होती है, इसलिए इलास्टिक वाली सिल देता हूँ पायल जी। क्या फायदा उस सलवार का जो टाइम पे ना आए, इंदु एक हफ्ते में सिल देता है। इंदु? इंदु पायल जी, माय गॉड। ओह यार, इंदु एक हफ्ते में कच्ची सिलाइयां देता होगा आपको, कच्ची। तो तुम्हारी कौन सी पक्की है? कॉकटेल पार्टी में मम्मी की पजामी फट गई थी। तो आंटी को बता देना चाहिए ना, वहां जाके स्प्लिट मारने वाली है। जाना नहीं चाहती थी मैं। रिया ले गई थी जबरदस्ती, फिर वो डिजाइन पे डिजाइन दिखाने लगा और अचानक हम दोनों का हाथ एक ही फुलकारी पे पड़ गया। पायल जी मेरी मशीन नहीं सह पाई। इसका तो लिहाज कर लो। देखो मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, हो सके तो मेरा माफ भूल जाना। माफ? अच्छा। पायल जी स्टॉप, कपड़ा छोड़ जाइए, परसों ब्लाउज तैयार होगा, फुल स्लीव्स। ये कौन बैठा है सेंसर बोर्ड में जो ये स्क्रिप्ट अप्रूव कर रहा है यार? हाँ मतलब वो पढ़ रहे हैं वहां की जेमी द कुत्ती, कुत्ती हमारे और तो कुत्ती बुला रहे हैं, कुत्ती हमारी संस्कृति के खिलाफ है। चले चले जाए, चुड़ैल चुड़ैल कर दीजिए, चुड़ैल कर दीजिए। कह रहे क्यों सर? क्योंकि बेटे चुड़ैल तो हमारी औरतें होती है ना, ये कोई पूछने की बात है, है? आप मेरी मदर इन लॉ से नहीं मिले? मतलब हमारा सेंसर बोर्ड बिच पे ऑफेंड हो रहा है, विच पे ऑफेंड नहीं हो रहा है? और आयरनी ये कि इन रियल लाइफ वी लव बिचेस, वी डोंट लव विचेस। घर पे बिच पालते हैं जिससे पागलों की तरह बात करते हैं लोग, दूध पियो लोला मामा नाराज हो जाएंगे, बैड बिच। किसी ने घर पे चुड़ैल थोड़ी ना पाल रखी कि चंडालिका जल्दी आओ तुम्हारा खून गर्म हो गया है, आके चूस लो, चूस लो, नहीं तो डायन मम्मी नाराज होने वाली है। मतलब आप रात को 3 बजे अपने बिच को सैर करा रहे हो, कोई साइड पे सफेद चुनी लेके हवा में आत्मा नहीं घुमा रहे अपने? और भी बड़ा, अरे अरे चंडालिका बहुत नोटी हो गई यार, क्या कर रही है, पूरे मोहल्ले में पार्टी करते हैं, बहुत एम्बैरेसिंग है यार, क्या क्या कर चंडालिका नो। और आने देखे ये भूतों का वर्ल्ड है ना, ये बहुत ही फीमेल ड्रिवन वर्ल्ड है यार। अच्छा। इसमें लेडीज ने बहुत तरक्की कर ली है। ओहो। हाँ बहुत वैरायटी है इनमें यार, भूतनी डायन चुड़ैल आत्मा। और आपने कभी सुना है कोई कोई मर्द भटक रहा है? ये लेडीज ही भटक रही हर जगह। एंड आई रिस्पेक्ट वीमेन फॉर दिस फैक्ट यार, क्योंकि एक औरत कितना काम करती है यार, बच्चे पैदा करती है, ऑफिस जाती है, घर चलाती है, खाना पकाती है, जीते जी इनके काम नहीं खत्म हो रहे, मरने के बाद भी कामों में लगी हुई है। वही तो, ठीक है। बट मैंने ये भी देखा है, ये जितनी भी भूतनियाँ होती हैं ये सब महंगी जगहों पे भटक रही हैं, हवेलियों में, महलों में, लाइक हॉन्टेड मैंशंस, हॉन्टेड बंगलोस, हॉन्टेड 1 BHK सुना किसी ने कभी? और राजस्थान के भानगढ़ के किले की मशहूर भूतनी, कभी बॉम्बे की नाली की भूतनी सुनी आपने? क्या आप नाल पे मूतने गए, वो बैठी है, आ गए मूतने। कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा, मारो ना धार अपनी। That's what I'm guys. My name is Akash. Thank you so much. यार ये लास्ट वाला, ओके बढ़िया था यार, मतलब मुझे, मैंने भी एक बार लाइक कॉमिस्तान का एक एपिसोड देखा था, वही ऑफ व्हाट वी कैन से, मतलब एक 3-4 लोग लाइक स्टैंड अप कॉमेडी एक साथ ही कर रहे थे, काइंड ऑफ स्केच काइंड ऑफ मतलब था वो,
एकदम बढ़िया से यार, मजा आ गया था देख के। मतलब मैं हंस हंस के नीचे गिरने वाली थी, उतना ज्यादा खतरनाक कॉमिक सर। मतलब आप अगर इफ यू आर लाइक सम लिटिल सैड और आपको इंस्टेंट हैप्पीनेस चाहिए तो लाइक अमेज़न प्राइम एंड ओपन कॉमिक सर फुल ऑन लाफ्टर होगा। मैं सच में बोल रही हूँ, एकदम मजेदार। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, नीचे कॉमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियो चाहिए कॉमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।